आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल के ऊपर, और एडवांस एक्सेल की हमारी फॉर्मेट्स की क्लास चल रही है, तो हम आपके साथ फॉर्मेटिंग पे डिस्कस करेंगे। आज हम बनाएंगे एक ऑटोमेटेड अटेंडेंस फॉर्मेट। जी, हर महीने के लिए एक ही फॉर्मेट, ऑटोमेटिक सब कुछ होना चाहिए उसमें। थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा एक्सेल कंसेप्ट होगा, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कंसेप्ट होगा, और एक दो फॉर्मूले भी इसके अंदर होंगे। तो मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करता हूं, और यहां हमने अपनी वीडियो को मैं बंद कर देता हूं। और क्लास फाइल, हाँ, तो मैं अटेंडेंस का फॉर्मेट बनाना चाहता हूं। अटेंडेंस का फॉर्मेट हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि हर महीने हमें अटेंडेंस बनाना पड़ता है, हर महीने उसका फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है। तो मैं यहां पे करना चाहता हूं कि एक फॉर्मेट ऐसा हो जो ऑटोमेटिकली मेरा सब कुछ करने जाए, सब चलेगा, सब कुछ अपने आप हो जाए। हर महीने अपने आप उसका डेट वेट हर कुछ चेंज कर दे, मतलब कि मुझे सिर्फ एक स्टार्टिंग डेट डालना है। तो यहां पे मैं सिंपल सा इंप्लॉई कोड देता हूं। जब भी कोई रिपोर्ट बनाते हो, कोई डेटा डालते हो, तो उसका यूनिक आईडी सबसे पहले होना चाहिए। देन यहाँ पे नेम हमने किया, और भी चीजें डाल सकते हैं आप, लेकिन मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आज का जो, अरे मैं मान लीजिए अक्टूबर बना रहा हूँ, तो यहाँ पे अक्टूबर की पहली डेट डाल रहा हूँ। बाकी डेट्स के लिए मैं इसके ऊपर प्लस वन कर दिया। फिर इसको कॉपी कर लीजिए या ड्रैग कर दीजिए लंबे, यहां से इसको ड्रैग कर दिया, 31 तक का आ गया। फिर मुझे इसका सैटरडे संडे भी चाहिए, तो मैंने आपको कस्टम फॉर्मेटिंग में पढ़ाया था ना टेक्स्ट फॉर्मूला, तो टेक्स्ट फॉर्मूला लगाऊंगा और इसमें मैं करूंगा 3 times DD। तो ये क्या होगा, इसमें से डे को संडे मंडे ट्यूजडे को अलग कर देगा। इसको भी कॉपी कर लीजिए या ड्रैग कर दीजिए, ओके। उसके बाद हम इसको एक छोटा, इसको छोटा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। सबसे पहली बात कि ये बहुत बड़ा हो रहा है, एक पेज पे प्रिंट नहीं आएगा, तो मैं ऊपर यहां मंथ दे देता हूं। ऐसा मंथ को पकड़ मर्ज कर दिया, इक्वल हमने इसको डेट को सेलेक्ट करके लिंक कर दिया, और फिर इसमें हम कस्टम फॉर्मेटिंग में आते हैं, कस्टम फॉर्मेटिंग, और इस पे यहां पे 3 times DD कर देते हैं, NYY, और फिर इस पूरे डेट को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहां पे 2 times DD कर दिया तो मंथ आ गया। सर ये जो आपने जो मंथ पे जो थर्सडे 20 लिखा है ना सर, हाँ इसमें गलत हो गया, इसमें मुझे NDDD के जगह पे NMM करना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद मैंने पूरे एक्सेल फाइल को सिलेक्ट किया और इस पे डबल क्लिक कर दिया, डेट आ गया। अब मुझे सैटरडे एंड संडे को हाईलाइट करना है। हाय सर, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है माँ। हेलो दयाशर्मा जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, ठीक है सर। ठीक है भाई, जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया है। ओके सर, फिर यहाँ पे हमने न्यू रूल्स पे आते हैं, यूज फॉर्मूला, और इक्वल करते हैं, ऊपर हम डे को सिलेक्ट करते हैं। नहीं, इसको बीच में 2 conditions है ना, सैटरडे एंड संडे, तो 2 conditions के लिए हम 2 चीज एंड या और का फॉर्मूला डालते हैं। एंड का फॉर्मूला कब डालते हैं, जब दोनों कंपल्सरी हो, मतलब कि दो रिक्वायर हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है, दोनों यहाँ पे नहीं आ सकता, इसलिए हम और का फॉर्मूला देंगे। इसको सिलेक्ट करते हैं इक्वल, और यहाँ पे सैटरडे कॉमा, वापस इसको हमने सिलेक्ट किया इक्वल,
यहाँ पे दिया हमने संडे, और इसमें जो डॉलर का साइन है वो हटा देते हैं सी के आगे और यहां भी सी के आगे। येलो कलर देता हूं मैं, देन ओके, और फिर फॉर्मेट पेंटर से पूरे एरिया पे पेंट कर देता हूं। कुछ गड़बड़ हुआ है, कलर नहीं हुआ, एक मिनट मुझे देखने दीजिए। C7 सॉरी C7 नहीं होगा, 6 होना चाहिए था, क्योंकि सैटरडे संडे ऊपर है ना, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, मैं ध्यान नहीं दे पाया। अब देखिए अप्लाई कीजिए तो सैटरडे एंड संडे हाईलाइट हो गया, हो गया सर। इसके अलावा मुझे अगर मान लीजिए यहाँ जो है हमारा संडे मंडे के अलावा मैं चाहता हूँ लीव हाईलाइट हो जाए और बाकी चीजें हाईलाइट हो जाए, तो ये चीजें यहाँ हाईलाइट हो जाएगी, राइट सर। अब यहां पे मैं न्यू रूल्स में आता हूं, नहीं यहाँ पे ये करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ इक्वल, यहाँ पे सिलेक्ट करके इक्वल टू, क्योंकि लीव तो एल ही होगा ना, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इक्वल, यहाँ इक्वल टू कलेक्शन वर्डिंग में एल करता हूँ और इसकी कलर रेड कर देता हूँ। पीछे से किसी का बैकग्राउंड आ रहा है, राशिद जी आपकी तरफ से आ रहा है? नहीं सर, मेरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं आपकी बात करूं, राशिद जी की बात क्या मुझे आपके यहाँ नहीं आ रहा, बैकग्राउंड से शोर आ रहा था। ठीक है मैं म्यूट कर दिया सर, यहाँ तो यहाँ पे अगर आप लीव डालेंगे तो लीव हो जाएगा, देखिए एल डाला आपने हाईलाइट हो जाएगा। तो ऐसे और भी चीजें यहाँ पे आप दे सकते हैं सर। ये एक दोबारा बताइए सर, जो लीव आपने किया है सर। सर सिंपल सा है, हमने पूरे को सेलेक्ट किया और यहाँ चला गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे न्यू हाईलाइट सेल्स और यहाँ पे इक्वल टू और दे दिया एल, और फिर हमने यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लिया अपना, समझे? ओके ओके कर दीजिए या ओके कर दीजिए, और जैसे कहीं पे एल कोई एल टाइप करेगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है सर, तो सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल चीज है। अब बड़ी चीज अब आ रही है, अब जैसे मैंने यहां पे अपना बना लिया, ये तो बना है सिर्फ किसका, अक्टूबर का, मुझे मान लीजिए नवंबर का चाहिए, तो मुझे बस यहां पे डेट चेंज करनी है, यहां पे डेट चेंज करनी है, मैं यहां पे 1 करके एंटर मारूंगा तो पूरा रिपोर्ट नवंबर के अकॉर्डिंग हो गया, हो गया सर। डेट भी चेंज हो गई, डेट जो है यहाँ पे 1 दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में डेट है, ठीक है एक्चुअली डेट है। संडे मंडे चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, यहां नवंबर आ गया, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये यहां एक तरीका आ गया, तो मुझे इसको फुल्ली डायनेमिक करना है। अगर मैंने इसमें मान लीजिए कि फरवरी 2019 का डेट डाला, तो सॉरी यहां पे नहीं डाला था, यहां डाला था, हाँ यहां फरवरी 2019 का डेट डाला, तो इसमें देखिए इसमें देखिए 28 के बाद 1, 2, 3 आ गया, तो मुझे ऐसा करना है कि एक चीज नहीं होना चाहिए, जितना दिन महीने में हो मुझे उतना ही डेट होनी चाहिए और मेरी फॉर्मेट भी उतना ही दिन की तैयार होनी चाहिए, मुझे अलग से यहां इसको क्लियर करने की और ऐड करने की जरूरत ना पड़े, समझे?
तो हम जानते हैं कि महीने में एटलीस्ट 28 दिन तो होता ही है। अब यहां पर हम आते हैं, तो देखिए इसके लिए कुछ फॉर्मूले सीखने होंगे आपको। तो एक फॉर्मूला समझ लीजिए, जैसे कि कोई भी डेट डालते हैं, आज के रेट हमने डाला, तो अगर हमारे पास ईओ मंथ का फॉर्मूला होता है, एंड ऑफ मंथ, किसी भी सिलेक्टेड डेट से ए महीने का आखिरी डेट निकालता है, तो ये बताए यहाँ पे इसने इसको सिलेक्ट किया और हमने जीरो कर दिया, तो इससे बताया इसने बताया हमें कि इसका महीने का लास्ट डेट कौन सा है। तो ये तो नंबर में आया, बट इसकी हम जनरल फॉर्मेट कर दे यहां पे आके, तो डेट बन जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम यहां लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले के साथ लगाएंगे। हम यहां देंगे कि इफ रिकॉर्डिंग का परमिशन दीजिए सर। जी हाँ जरूर जरूर, मेरा कट गया था नेटवर्क प्रॉब्लम। तो हमने बोला इफ ए मतलब कि 28+1 करने पे अगर ओ ग्रेटर देन ई ओ मंथ और हमने डेट डाली है कॉमा जीरो, मतलब कि 28+1 करने पे अगर वो बड़ा है ईओ मंथ मतलब इस महीने की लास्ट डेट से, तो यहां पे ब्लैंक हमने क्या किया, ब्लैंक के लिए इनवर्टेड कॉमा को ओपन किया एंड क्लोज कर दिया। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो इसमें प्लस वन हो, ठीक है, और इसको आगे की तरफ ड्रैग कीजिए। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि एरर आएगा, यहां पे दिख रहा है सर ये एरर है। एरर क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हमने ब्लैंक लगाया तो टेक्स्ट हो गया, और टेक्स्ट में तो प्लस वन नहीं ना कर पाएगा, इसलिए मुझे इसको यहां इफ एरर फॉर्मूला देना पड़ेगा, इफ एरर, और यहां पे हमने कर दिया ब्लैंक और फिर इसको ड्रैग कर दिया। अब इससे इस छोटा सा फॉर्मूला लगाने से फायदा क्या हुआ कि अब जो है मैं यहां डेट डालता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैं अक्टूबर का डेट डाला तो 31 दिन होते हैं तो 31 तक आ गया, अगर मैंने नवंबर का डेट डाला तो 30 दिन होते हैं 30 दिन आ गया, अगर मैंने फरवरी का डेट डाला तो फरवरी में इस 2020 में 29 दिन था तो 29 तक आ गया, और हमने यहां पे 19 कर दिया तो 19 दिन था तो 19 दिन आ गया, समझे सर। ये कैसे किया सर, और एक बार बताएंगे सर प्लीज। देखिए सबसे पहले समझिए ईओ मंथ फॉर्मूला, समझ में आया कि ईओ मंथ फॉर्मूला क्या होता है। हेलो, हाँ नहीं सर, ईओ मंथ फॉर्मूला समझाया, समझ में ईओ मंथ क्या होता है सर। एक्चुअली मेरा वो कट गया था सर नेटवर्क प्रॉब्लम। सॉरी, तो सबसे जानिए कि जैसे कि एक फॉर्मूला होता है ईओ मंथ, ईओ मंथ क्या करता है, किसी भी डेट से उस महीने की लास्ट डेट निकालता है, क्योंकि हर महीने की लास्ट डेट अलग अलग होती है ना, तो ईओ मंथ क्या करेगा, डेट के अकॉर्डिंग उस महीने की लास्ट डेट निकाल देगा। जैसे 30 तारीख निकाल दिया ना, 31 तारीख नवंबर 30 का होता है, अगर मैं अक्टूबर करता हूँ तो कितना होगा, 31 का होता है, फरवरी कर दिया मैंने तो 28-29 का होता है, निकाल दिया। अब हमने सेम चीज यहाँ पे किया, हमने क्या किया हुआ, हमने बोला हुआ यहाँ पे किया हुआ है कि सी प्लस वन, ऐसे यहाँ पे हमने किया डी प्लस वन, यहाँ पे देख रहा है ई प्लस वन करते करते पूरा सीक्वेंस बढ़ाया हुआ है, तो ये हर कोई एक दूसरे को प्लस कर रहा है, कर रहे हैं ना सर। ये देखिए, तो हमने यही यहाँ पे कहा कि अगर 28 देखिए एडी से प्लस वन मतलब कि 28 एडी से मतलब 28 में वन जोड़ने पे इस महीने की डेट से इस महीने की लास्ट डेट से अगर बड़ा है तो ब्लैंक कर दो, मतलब कि अगर 28 प्लस 1 कर दिया और अगर मान लीजिए फरवरी है तो उसी बात 1 मार्च हो जाएगा, 1 मार्च जो है इसके 28 फरवरी से बड़ा है ना, तो बड़ा है तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाए, अगर बड़ा नहीं है तो फिर प्लस 1 करके अगली डेट दिखा दे। मतलब समझ गए सर, मतलब सर जो जैसे हम पहले फरवरी को सिलेक्ट करेंगे वहीं पे फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए सिंपल सी
सिंपल सी बात समझ जाता हूँ आपको। हमने यहाँ पे डेट डाला हुआ, मैंने मैंने डेट डाल दिया यहाँ पे 10 तारीख डाल दिया सर, 10 अक्टूबर डेट है। मुझे नीचे तक डेट चाहिए तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ड्रैग कर देते हैं ना। मैं ड्रैग नहीं किया, मैंने क्या किया ऊपर वाले डेट में +1 कर दिया और इसी फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी कर दिया। तो क्या हुआ कि ऊपर वाला डेट चेंज होगा तो बाकी सारा डेट चेंज हो जाएगा, समझे? ऊपर वाला डेट चेंज होगा तो बाकी सारा डेट चेंज हो जाएगा क्योंकि हर कोई अपने ऊपर से लिंक है, ये समझ में आया। तो ये सेम काम मैंने यहाँ किया हुआ है कि हमने एक मैनुअल डेट डाला, बाकी सबको इसके ऊपर हमने प्लस किया हुआ है। अब मुझे इसमें क्या करना है कि भाई जो डेट डाल रहा हूं मुझे एक महीने का पीरियड चाहिए, पर प्रॉब्लम क्या होता है कि जो तीसरा महीना होता है तो यहाँ पे 1 नवंबर आ जाएगा, अगले महीने 1 तारीख 28 का महीना है तो 3 दिन एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो हम ये पता है कि हम फॉर्मूला कहाँ लगाए, हम फॉर्मूला यहाँ भी लगा सकते हैं बट यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाते हैं क्योंकि हमें पता है कि महीने में 28 दिन तो होंगे ही होंगे। तो 29वें दिन पे हमने, हाँ 29वें दिन पे हमने फॉर्मूला लगाया। अब जैसे मुझे पता है कि इस महीने का मैंने ईओ मंथ, हमने ईओ मंथ फॉर्मूला लगाया यहाँ पे ईओ मंथ, और हमने बोला कि ईओ मंथ 0, तो इसने क्या किया ईओ मंथ ने इस महीने का लास्ट डे निकाल दिया, लगा दिया 31वां लगा दिया ना सर। तो 29वें में हमने फोन किया लगाया कि एफ एफ ये जो प्लस वन करने पे जो डेट आ रहा है क्या वो बड़ा है 31 तारीख से, अगर इससे बड़ा है तो ब्लैंक कर दो अदरवाइज ऊपर वाले में +1 करो। ये समझ में आया आपको? मतलब अगर 31 तारीख से बड़ा है तो ब्लैंक करना है, हाँ सर, अदरवाइज उसमें +1 करके अगली डेट दे दे, अगली डेट दे दे, हाँ ठीक है ना। तो इसने देखा कि बड़ा है तो इसने अगली डेट डाल दिया। अब नीचे की तरफ हम ड्रैग कर रहे हैं तो यहाँ एरर आ रहा है, क्यों एरर आया? क्योंकि ये ब्लैंक होने के कारण ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। सॉरी माफ कीजिए, हमें फ्रीज नहीं किया था, इसको फ्रीज करना होगा। तो नीचे तक ड्रैग किया तो अभी तो आ गई डेट, आ गई ना सर, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे मैं फरवरी कर रहा हूँ तो फरवरी का पूरा आया, और फरवरी में 29 के बाद 30 ब्लैंक हो गया, अब 31 में एरर आ गया, क्यों? क्योंकि A30+1 दिख रहा है सर, A30 में क्या है ब्लैंक है ना, तो ब्लैंक टेक्स्ट होता है, ब्लैंक टेक्स्ट होता है तो टेक्स्ट के ऊपर प्लस नहीं कर सकता, इसलिए एरर आ गया। तो ये एरर ना आए इसलिए हमने इस एरर का फॉर्मूला लगा दिया, समझे? इस एरर का फॉर्मूला लगा दिया और बोला कि अगर ये फॉर्मूला पूरा का पूरा फॉर्मूला अगर एरर देता है तो तुम ब्लैंक दे दो यहाँ पे। अच्छा, तो इससे क्या होगा, ब्लैंक हो गया। तब क्या होगा कि जो भी डेट यहां डालेंगे उस डेट का उसी डेट का डेट देगा, अगली अगले मंथ का डेट नहीं देगा। चाहे मैं यहाँ पे नवंबर डालूं तो देखिए 30 तक आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अक्टूबर डालूं तो ये अक्टूबर 31 तक दे रहा है। तो ये वर्जेंटी था, वर्टिकल था, यहाँ हमने इसी काम को हॉरिजॉन्टल किया है और यहाँ डेट पूरा दिख रहा है। मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग लगा के इसके डेट को सिर्फ 2 डिजिट में डाल दिया है, मंथ और ये हटा दिया है, समझ गया? तो पहली प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह है कि जो ये ब्लैंक दिख रहा है आपको ना, इसकी फॉर्मेटिंग में नहीं दिखनी चाहिए हमें, समझ गया? तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कर्सर रखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के यूज फॉर्मूला में, हमने बोला कि अगर ए ऊपर वाला जो टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक है, समझे? हमने बोला कि A7 इक्वल टू ब्लैंक है तो क्या करे, इसमें इस पे बॉर्डर पे जाए, कोई बॉर्डर ना लगाए। सर स्क्रीन बड़ा दिख रहा है सब, ठीक है, मतलब दिख नहीं रहा आप क्या कर रहे हैं, आप डबल क्लिक कीजिए ना, वो हो जाएगा, जूम हो जाएगा। किसको प्रॉब्लम है, देख समझिए, आपको प्रॉब्लम है? यस यस, हो गया सर अभी।
हमने इसको हटा दिया, देन ओके, देन ओके, और फिर फॉर्मेट प्रिंटर से लिया और पूरे पे पेंट कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमने इसका परफॉर्मेंट पेंटर मारा है ना, तो ये डीडी वाला जो था वो हट गया है, एक बार दोबारा लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, 30 तक आया, अगर मैं इसी को अक्टूबर कर देता हूं तो 31 तक, अगर मैं इसी को फरवरी कर दिया 29 तक, मैं फरवरी 2019 कर दिया 28 तक, तो डेट के हिसाब से उसका फॉर्मेट भी चेंज हो रहा है, इसी को बोलते हैं ऑटोमेटिक फॉर्मेट। पुनीत जी कैसा लगा आपको? हेलो, हाँ पुनीत जी कैसा लगा आपको? सॉरी पुनीत जी नहीं, तोमर जी है, तोमर जी कैसा लगा आपको? ठीक है, अभी मतलब स्टार्टिंग है तो बस थोड़ा समझने का ट्राई कर रहा हूँ। हाँ अभी देखिए ये जो बीच का क्लास है ना, मैं जैसे आपको अब जॉब करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ट्रेनिंग का मीडियम जॉब कीजिए, फिर हम फोन पे बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज समझ में तभी बेटर तरीके से तभी आएगा जब आप इसको यूज करेंगे, बात समझ रहे हैं ना, ऐसे फिल्म की तरह देख लेने पे आपको एक्शन सीन समझ में नहीं आएगा, एक्शन कर नहीं पाओगे आप जब तक उस एक्शन को करोगे नहीं तब तक। तो मैं आपको ये फाइल मेल कर रहा हूं, आपकी ईमेल आईडी क्या है सर? मेरी रविकांत जी, हाँ आर वी राजपूत। ओके ओके राइट, नहीं आपकी, हाँ आर वी राजपूत आपकी तो आई हुई है, मैं देख लेता हूँ आपकी क्या है, इसी रही काम थी, रविकांत जी बोल रहे हैं। मेरा तो सर SINGH है, सिंघा, आपने भेजा भी था। अच्छा अच्छा ऐसा, हाँ तो बोलिए ना तो पता चल जाएगा, ये है ना लकी काम जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोगों को फाइल भेज रहा हूँ, एक्सेल फाइल में आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, मुझे कल वाला नहीं मिला सर। क्या कल वाला नहीं मिला? फाइल या रिकॉर्डिंग? हाँ सर कल वाला फाइल। कल क्लास नहीं हुई थी, कल आप आए नहीं थे इसलिए क्लास हमने ली नहीं थी। अच्छा, ऐसा मत ही बोले, रहने दीजिए, तुमने छोड़ दिया। ठीक है, एक ही और भी है,